मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। महसूस हो रहा है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जो महसूस हो रहा है, जिस जगह डेरा सच्चा सौदा ऐसा सच्चा डर है। ऊपर इल्जाम लगे हैं वो सारे झूठे हैं। असं ये कहने पिता जी जल्दी से जल्दी आठ जो के साथ संगत च हाजिर हो गए। लोग यहाँ पर मिलते हैं, हम जल्द से जल्द हमारे पिताजी के दर्शन हो और जल्द से जल्द बाहर आए। अशोक इंसा कहाँ से आए हो? फाजिलका से। आज आने की वजह क्या आपकी जो आप डेरा सच्चा सौदा आए हो? हमारी मेन वजह है यहाँ पर आके हमको परमार्थ जो मानता भलाई के कामों के लिए शिक्षा दी जाती है और हम सारी दुनिया को मोटिवेट करते हैं मानता भलाई के काम करो। जैसे आज खूनदान हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में और मेरा यही संदेश है सारे यूथ को, जो यूथ सुन रहा है मेरे को, कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो खूनदान बहुत ही महादान है, खूनदान करने से हमारी बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बहुत से रोग ख़त्म हो जाते हैं और किसी को जीवन मिल जाता है और उसकी दवाएं बहुत मिलती है और मालिक भगवान हमको हमारे घर में बहुत खुशियाँ देते हैं। और यहाँ पर आने का हमारा मेन मकसद यही है, यहाँ पर आकर हमको सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। यहाँ पर नशा छुड़वाया जाता है, लोगों की बुराइयाँ छुड़वाई जाती हैं, सच्चा दर है ये। बहुत सारे बुरे कर्म यहाँ पे छुड़वाए जाते हैं, गुरुजी ने 134 कार्य जो मानता बड़े के चला रखे हैं उन पे चलना सिखाया जाता है। जैसे वैश्यों की शादी करवाना, गरीबों के मकान बना कर देना, नशा छुड़वाना और कई सारे कार्य हैं जो गरीब लड़कियों की शादी करवाना, उनको हेल्प करना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो साथ संगत कर रही है और करने भी चाहिए। मेरा यही संदेश है आपको सभी को, जो यूथ सुन रहा है, जो भी सुन रहा है मेरे को, कि मानता भाई के कामों में सभी को आगे आना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और डेरा सच्चा सौदा दरबार में सभी अच्छी शिक्षा मिलती है। आप एक बार आएँ, जो व्यक्ति यहाँ पे कभी आया ही नहीं वो डेरे के बारे में गलत बोल रहा है, डेरे में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है। आप एक बार आओ, आपको तभी पता चलेगा। एक बार आकर देखो डेरे में क्या होता है, फिर आपको आंखें खुलेंगी, आपको पता चलेगा भी डेरे में अच्छाई है, बुराई तो है ही नहीं। इसलिए बिना वजह मीडिया की बातें सुन के, लोगों की बातें सुन के डेरे के बारे में गलत मत सोचो। यहाँ पे अच्छाई की शिक्षा दी जाती है, बुराई की नहीं आती। गुरुजी के वचनों पे जो सारी साध संगत है वो पूरी खरी उतर रही है। आप देख रहे हो अपनी आँखों से यहाँ आज कितनी तादाद में लोग आए हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। गुरुजी के साथ वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं, उनके वचनों पे वैसे ही चल रहे हैं। सारी साध संगत पूरे इंडिया में, फॉरेन में, वर्ल्ड में लोग मानता है कि काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, आगे से पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हटा। उनकी शिक्षा पे पूरा चल रहे हैं सारी साध संगत। झगरू इंसा नेपाल, कहाँ से आए हो आप? नेपाल से। आज यहाँ आने का मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हम लोग नेपाल से चल कर आए हैं यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में ब्लड दान के लिए और पिताजी के साथ सतनाम जी महाराज की जन्मदिन मनाने। और पिछले साल भी आए थे अगस्त में भी और अब की बार भी करीब 30 संगत आए हैं नए जीव के साथ। आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जो महसूस हो रहा है, जिस जगह डेरा सच्चा सौदा ऐसा सच्चा डर है जो ऐसा डर कहीं नहीं है। पूज्य गुरु डॉक्टर MS जी के द्वारा जितने कार्य बताए गए हैं उन पर संगत कितना खरा उतर रही है? बहुत जोरों शोर से संगत लग रही है इसमें। जैसे कि हमारे नेपाल की संगत आए हैं, 10 प्रेमी लगभग ब्लड दान किए हैं जो अभी किए हो रहे हैं और चल रही है। और बिना नामदान वाले ये जीव सब है। अच्छा, बिना नामदान वाले? बिना नामदान वाले ये भी है और यहाँ भी बिना नामदान वाले है। पुराने 3 साल से आ रहे हैं जो ब्लड दान कर रहे हैं, इसको 10वां बार हो गया है। देखिए कितना जज्बा है पिताजी प्रति, इतना दृढ़ विश्वास है। जो सब नशेड़ी था, हम लोग भी नशेड़ी था, लेकिन इतना जज्बा मालिक भर दिया यहाँ आ करके, जो सब नशेड़ी छोड़ दिया है। और संगत वहाँ नेपाल से भी बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। गुरुजी के बारे में क्या राय है आपकी? गुरुजी के बारे में इतना राय रहा है कि जो जैसे कि चैनल में जो अफवाह जो फैल रही थी, ऐसे है गुरुजी वैसे है, या है वह है, लेकिन कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो हम लोग नेपाल में बहुत चल कर आए हैं देखने के लिए कि गुरुजी के बारे में ऐसे फैला रहा था, गुफा है, बहुत रंग का बात है, जो किडनी बेचा जा रहा है, ब्लड बेचा जा रहा है, कुछ नहीं है। ये अपने दान खून ब्लड दान जो यहाँ कर रही है संगत खुशी से कर रही है। जो आज दान किया 2 दिन का बाद में उससे ज़्यादा बढ़ गई है। हम भी किए हैं
और दो दिन के बाद में भर गए ब्लड। बहुत आनंदित मिला है, नए शरीर ताकत आ गए हैं ब्लड दान करने के लिए। हर साल हम आएंगे ब्लड दान करने। भाई जी शुभ नारायण, नेपाल से। भाई जी नेपाल से आए हो आप जी, क्या करने हो आज आप? भाई जी यहाँ मुर्शिद जी को जो सासत नाम जी महाराज के जन्मदिन के भंडारा पर मनाने आए हैं, अपने खुशी खुशी से ब्लड भी डोनेशन की है। भाई जी कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हो? हम तो अभी नया जीव है भाई जी, फिर भी दो बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। भाई जी तीन बार। ब्लड डोनेशन के फायदे क्या पता है आपको? हाँ भाई जी, जितने पिताजी के वचन है कि जितना रोग है वो शरीर से पूरे भाग जाता है भाई जी, आ दो से चार दिन में नया ब्लड फिर से हो जाते हैं। भाई जी जगदेव सिंह पच्ची मेंबर बरनाला ब्लॉक। बरनाला से आए हो आप जी, आज के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज के साथ सतनाम जी महाराज जी का भंडारा, पवित्र भंडारा हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी, जो कि इस साल भी पूजने गुरु जी के ना होने कारण भी, ना का मतलब तो नहीं है पिता जी हाजर नाजर ने, पर फिर भी सानू दृढ़ विश्वास है कि पिता जी हाजर नाजर होंदे हुए भी पहला तो भी ज़्यादा असी कट बधाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एम एस जी के बारे में आपकी क्या राय है? एम एस जी डॉक्टर के बारे में राय जो है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं वो सारे झूठे हैं। असी ये कहने पिता जी जल्दी से जल्दी आन, जो कि साध संगत च हाजिर होवे। लोग बहुत तड़फ रहे हैं, जो कि बगैर जीव बगैर नाम तो भी जीव आने तैयार बैठे हैं, नाम वाले बहुत जीव तैयार हो रहे हैं। असी ये सोचते हैं भी पिता जी जल्दी से जल्दी साढ़े विचकार हो, जो कि साध संगत को हौसला बधाई होर भी ज़्यादा हो, जो कि हुण भी है मौजूदा भी पिता जी साढ़े नाल ही ने, हर टाइम नाल ही रहिंदे आ। असी कदे भी ये सोचे नहीं पिता जी साढ़े दूर ने। परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हुए हैं? 1998 से। आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो डेरा सच्चा सौदा की आपको यहाँ खींच लाई है? जो जगह ईमानदारी है, भक्ति भावना है, शुभ काम जो कार्य डेरे में कार्य सभी लोगों के लिए होते हैं, वो कार्य होने और भक्ति के सीखने के लिए हम जहाँ डेरे में आते हैं। हम पटियाला पंजाब से आए हैं, मैं पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। ये हमारा सारा परिवार इस डेरे के साथ जुड़ा है। ये डेरा बहुत अच्छा है, हमको गलत कामों से बचाता है, भक्ति भाव के लिए अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करता है। जी मेरा नाम गुरप्रीत सिंह इंसा, संगरूर से आया हूँ जी, मैं पंजाब से डेरा सच्चा सौदा में आए हैं जी। आज जो गुरु जी हैं परमपिता जी, उनका आज शुभ भंडारा है, तो साध संगत अलग अलग स्टेटों से आती है, पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली ऑल वर्ल्ड से आती है, तो इस दिन बड़ी खुशी होती है। हमारे जो गुरु जी हैं उनका जन्मदिन है, लोग साध संगत मनाती है, अच्छे अच्छे काम होते हैं, नाम चर्चा में आते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। जन्म दिहाड़ा है हमारे पिताजी का 101 में आ चुके हैं, और हमको हर खुशी यहाँ पर मिलती है। हम जल्द से जल्द हमारे पिताजी के दर्शन हो और जल्द से जल्द बाहर आए, और मेरी पति की जान ही यहाँ से बची है, 1.5 साल बीमार रहे हैं, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और यहाँ से प्रसाद लिए जब से मेरे पति ठीक हुए हैं, और हम कभी बस बहुत तड़फ हो रही है बहुत, अब आगे से बोलना नहीं जा रहा मेरे से बस। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, सस्त नाम जी का आज जन्मदिन है 25 जनवरी को। हम हरेक भंडारे में आते हैं, और जब भी कैंप होता है जहां ब्लड डोनेट का, हम खूनदान करते हैं। खूनदान से हमें खुशियां प्रदान होती है, बहुत ही बीमारियां ठीक हो रही है। अब तक कोई बीमारी हमें है ही नहीं, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तकरीबन आज 18वीं बार खूनदान किया है। तो आज क्या खास दिन है जिस दिन आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, आज वजह क्या है? आज साढ़े गुरु महाराज जी परम पिता सतनाम सिंह जी पूर्ण मुर्शिद का जन्मदिन है, इसलिए हम ब्लड दान कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? हम बिलासपुर गांव है साढ़ा पंजाब में, जिला मोगा।